जनपद संभल की चंदौसी में श्री चित्रगुप्त सभा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। जनपद संभल की चंदौसी में आज श्री चित्रगुप्त सभा के कार्यकर्ताओं ने शक्ति में सुशील सक्सेना के आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम को नेताजी की पौत्री राजश्री चौधरी ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संबोधित की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने नेताजी के गुणों व आदर्शों पर चलने का संदेश दिया और कहा कि नेताजी जाति व धर्म से ऊपर उठकर महामानव थे। इस विषय में कार्यक्रम में मौजूद रहे वरिष्ठ सपा नेता सतीश प्रेमी ने नेताजी को जाति धर्म व देश की सीमाओं से परे बताते हुए उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया। मैं यही कहना चाहूँगा, आज देश के महान क्रांतिकारी, विश्व की महान शख्सियत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती थी। इस अवसर पर एक चंदौसी में कार्यक्रम जो हुआ है, मैं बधाई देना चाहता हूँ आयोजकों को, और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शख्सियत देश की सीमाओं से, जाति और धर्म की सीमाओं से परे थी। महान क्रांतिकारी थे, उन्होंने पूरी दुनिया को स्वाधीनता का और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया। उन्होंने जितना बड़ा योगदान देश की आज़ादी में तमाम महान शहीदों का है, उससे ऊपर नेता सुभाष चंद्र बोस आते हैं। नेताजी, आज के दिन हम संकल्प लें कि देश की जाति और धर्म की राजनीति को परे रखते हुए, राजनीतिक से परे महान शख्सियत को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये संकल्प ही लें कि उनके सपनों का भारत बनाएंगे जो न जाति धर्म से बना होगा, न देश की सीमाओं से बना होगा। वो भारत देश का नाम वो बुलंदियों पर ले जाएगा, ऐसे आज के दिन हमने संकल्प लिया है।